हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने पिछली सारी क्लासेस एंजॉय की होंगी। तो अपनी उन पिछली क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ इनकम। तो मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी और इंटर पेपर नंबर 4, जो कि आपका टैक्सेशन का पेपर है, जिसमें इनकम टैक्स का आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके साथ चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो ये चैप्टर अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट आपको पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस समझना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने के बाद आपको समझना है स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज स्टडी दी है, जिसमें आपको ये सभी सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शन 2, सब सेक्शन 30, 45, 5, इस तरह से ये सारे सेक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। इन सभी सेक्शंस को हम वन बाय वन इस पूरे चैप्टर के स्टडी में समझेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, जो मेरी पिछली क्लासेस रही हैं उसमें मैंने आपको बताया था, एवरी पर्सन शेल बी चार्ज टू इनकम टैक्स, मतलब हर पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है इफ हिज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है आपका 2.5 लाख रुपए, जो आपको एक स्लैब मिलता था, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए था, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए था। तो अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा हो जाएगी तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और हर पर्सन को यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा हमने पिछले क्लासेस में सीखा था। ये हमने बिल्कुल सही समझा था। अब पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल भी आएगा, HUF भी आएगा, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटीज, कंपनीज, फर्म, ये सभी पर्सन की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है टोटल इनकम का मतलब। तो टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू इन सब सेक्शन इन सेक्शन 5, कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट में एक आपको मैनर दिया गया है टोटल इनकम कंप्यूट करने का, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में दिखाया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करना है, सैलरी हेड, पीजीबीपी हेड। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं, हमने ये चीज करी थी। इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर 1 में पेज नंबर 19, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताया था कि स्टेप नंबर 1 में आप रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि आपके 5 हेड रहेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड दी अदर सोर्सेस। इसके बाद आप कंप्यूट करेंगे इनकम अंडर ईच हेड। उसके बाद आप इसकी में क्लबिंग करेंगे, क्लबिंग ऑफ स्पाउसेस और माइनर चाइल्ड इफ एनी। इसके बाद आपको यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन अप्लाई करने थे। इतना करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, दैट इज अ ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें आप डिडक्शंस माइनस करेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपने रेट्स अप्लाई करेंगे, जो रेट हमने समझे थे एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। फिर आपको सरचार्ज अप्लाई करना है, रिबेट अप्लाई करनी है। देन इसके बाद आपको एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगाना है, जो कि 4% था हमारे केस में। और फिर आपको एडवांस टैक्स या डिडक्शंस, टीडीएस की डिडक्शंस देनी है। और फाइनली आपके सामने नेट टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल की सिचुएशन आ जाएगी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है कि आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे,
उस तरीके से कंप्यूट करेंगे जो तरीका आपको दिया गया होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये कौन सा तरीका है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है, तो देख लेते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड अंडर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड इज देयर आफ्टर एग्रीगेटेड, एंड एग्रीगेटेड इनकम इज नोन एज दी ग्रोस टोटल इनकम। मतलब आप यहां पर अपने सभी हेड्स की इनकम कंप्यूट करेंगे, जिसमें आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी एंड अदर सोर्स आ जाएगा। जब ये पांचों हेड्स कंप्यूट हो जाएंगे, आपको अभी परेशान नहीं होना, ये पांचों हेड्स मैं आपको एक चैप्टर वाइज समझाऊंगा कि पांचों हेड्स क्या होते हैं। तो जब ये आप हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूट कर लेंगे, आप इनको टोटल करेंगे, मतलब इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एग्रीगेटेड रिजल्ट, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ग्रोस टोटल इनकम। इसको आप ग्रोस टोटल इनकम का नाम देंगे। और फिर इसके बाद ग्रोस टोटल इनकम में से आप कुछ डिडक्शंस माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U, और जो बैलेंस इनकम आपकी बचेगी, दैट इज टू बी कॉल्ड एज नेट टैक्सेबल इनकम। आप उसको नेट टैक्सेबल इनकम का नाम देंगे, और ये आपकी इनकम होगी जिस पर आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ इनकम, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, जब भी किसी पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्या वो इंडिया के लिए, इंडिया के लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप ग्रेजुअली समझ पाएंगे इस चैप्टर के साथ साथ कि रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ इसका बता देता हूं, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, बिकॉज इंडिया के लॉ के हिसाब से जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड अंडर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज दी रेजिडेंट, मींस कोई पर्सन एज पर इनकम टैक्स इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। तो यहां पर जो उसका स्कोप ऑफ इनकम है, स्कोप ऑफ इनकम और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, ये इस बात पर मैटर करता है कि सामने वाला पर्सन जिसके ऊपर हम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि मैं आपको अभी सिंपली एक ब्रॉड मीनिंग बता देता हूं, लेकिन टेक्निकली उसको मैं चैप्टर के साथ साथ आपको बताऊंगा। जो रेजिडेंट पर्सन होता है, इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम कहूं या मैं कहूं ऑल इनकम, ऑल इनकम आर टैक्सेबल। मतलब अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी सभी या ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्सेबल होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी केवल लिमिटेड इनकम ही टैक्सेबल होती है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी लिमिटेड इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो देखिए, अगर मुझे किसी की इनकम को टैक्स करना है तो मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा वेदर दैट पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट हुआ तो मैं उसकी सभी इनकम टैक्सेबल कर दूंगा, चाहे वो उसने इंडिया में कमाई होगी, चाहे उसने इंडिया के बाहर जाकर कमाई होगी, चाहे वो कहीं से भी कमा के लाया हो, वो इनकम उसकी टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो रेजिडेंट हुआ। और अगर वो नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसकी सभी इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी, देयर आर फ्यू लिमिटेड इनकम्स जिसके ऊपर हम उससे टैक्स मांगेंगे एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कोई भी पर्सन को किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाने से पहले हमें ये कंप्यूट करना जरूरी हो जाता है
कि वो पर्सन रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट होने या नॉन रेजिडेंट होने पर ही देखा जाएगा कि उसकी कौन सी इनकम पर आप टैक्स लोगे और कौन सी इनकम पर आप टैक्स नहीं लोगे। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रेजिडेंट के केस में जो कवरेज है वो बहुत वाइडर है, मतलब रेजिडेंट इंडिया में कमाई गई इनकम पर भी टैक्स देगा और इंडिया के बाहर कमाई गई इनकम पर भी टैक्स देगा, जबकि नॉन रेजिडेंट के लिए जो स्कोप रखा गया है वो बहुत लिमिटेड है, जिसमें अभी आप इतना समझ सकते हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिया में रह के कोई इनकम कमाता है या इंडिया से कोई इनकम कमाता है तो वो उसके केस में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज उसकी सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब मैं स्कोप ऑफ द टोटल इनकम में आऊंगा कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, बट अभी के लिए आपके लिए, अभी तक आपके लिए इतना जानना जरूरी हो जाता है कि रेजिडेंट का जो स्कोप होगा इनकम का वो बहुत वाइड होगा, जबकि नॉन रेजिडेंट का स्कोप जो होगा वो नैरो होगा। अगर मैं रेजिडेंट की 10 इनकम टैक्सेबल कर रहा हूं तो नॉन रेजिडेंट की जरूरी नहीं है 10 ही हो, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि उसकी 7 इनकम या 4-5 इनकम ही टैक्सेबल हो। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मेरे लिए इसलिए जरूरी है ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि मुझे उसकी कौन सी इनकम पर टैक्स करना है और कौन सी इनकम पर मुझे उसके टैक्स नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिटरमिनेशन ऑफ द फैक्ट वेदर अ पर्टिकुलर इनकम शेल बी टैक्सेबल और नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसेसी। आप कौन सी इनकम पर टैक्स करोगे, कौन सी इनकम उसकी छोड़ दोगे, किस पर आप टैक्स नहीं करोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसका मतलब क्या वो रेजिडेंट है या क्या वो नॉन रेजिडेंट है। देन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज और हर रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस द एसएससी कैन ईदर बी, आप एसएससी को रेजिडेंट और इन इंडिया कह सकते हो या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कह सकते हो। इसका एक काम करते हैं, चार्ट बना के देख लेते हैं। एक पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ एवर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, प्लीज हाईलाइट द वर्ड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन नॉट बी सिंपली कॉल्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया। इफ इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इन इंडिया ही विल बी ईदर फर्दर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इट मीन्स वट दे आर ट्राइंग टू से, अगर आप पर्सन हो और आप इंडिविजुअल हो या फिर आप एचयूएफ हो तो आप रेजिडेंट हो सकते हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हो, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हो गए तो आप फर्दर क्लासिफाई किए जाओगे रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मतलब या तो आप ROR हो या आप RNOR हो, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ROR, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट RNOR। तो यहां तक आपका क्लासिफिकेशन आएगा अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ में से कोई भी एक पर्सन हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आप पहले क्लासिफाई किए जाओगे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के केस में। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो फिर आप फर्दर क्लासिफाई किए जाओगे आर ओ आर या आर एन ओ आर के केस।
अगर आप नॉन रेजिडेंट हो गए तो फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, उसके नीचे कोई चेन नहीं आएगी। तो चेन केवल कहां पर है? रेजिडेंट के केस में। अगर आप रेजिडेंट हो देन यू विल बी फर्दर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्लियर है हम यहां तक? देख लेते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन शेल बी ईदर बी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन मींस इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर जितने भी लोग बचे, जैसे फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटीज और कंपनीज। तो ये सभी लोग जो होंगे वो फर्दर क्लासिफाई नहीं किए जाएंगे। इनको केवल या तो रेजिडेंट कहा जाएगा या नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। देयर शेल बी नो फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इन लोगों को फर्दर कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं देना है। ये या तो रेजिडेंट ही होंगे या फिर ये नॉन रेजिडेंट ही कहलाएंगे। रेजिडेंट बनने के बाद इनका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। आई होप यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। आपकी इनकम पर टैक्स लगाने से पहले ये डिटरमाइन करना जरूरी होगा कि आप रेजिडेंट हैं या नॉट नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं और आप इंडिविजुअल या HUF हैं तो फर्दर आपको दो पार्ट्स में बांटा जाएगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं तो आप या तो रेजिडेंट ही होंगे या नॉन रेजिडेंट ही होंगे। आपके ऊपर फर्दर कोई कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब समझ लेते हैं इसी बात को। यहां पर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल स्टेटस द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी SSC डिपेंड अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द एक्ट। टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिसको मैं कहूंगा ROR। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिसको मैं कहूंगा RNOR। एंड फोर्थ थर्ड नंबर पर आपके सामने लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट, जिसको मैं कहूंगा NR। तो यहां पर तीन कैटेगरीज आपके सामने आ गई है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली एंड नॉन रेजिडेंट। अब ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें समझना है ये हर पर्सन के लिए समझना है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको पर्संस बताए थे तो पर्सन में मैंने रखा था इंडिविजुअल और HUF को, उसके बाद पर्सन में मैंने रखा था LLP फर्म्स को, पर्सन में मैंने रखा था AJP, BOI, AOP को, पर्सन में मैंने रखा था कंपनी को और पर्सन में मैंने रखा था लोकल अथॉरिटीज को और पर्सन में मैंने रखा था, दैट्स इट, यही थे हमारे पास। तो अब हमें जब रेजिडेंशियल स्टेटस समझना है तो हमें इंडिपेंडेंटली सभी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस समझना होगा। मुझे ये जानना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कब रेजिडेंट कहलाएगा और कब रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, कौन सा पर्सन कब रेजिडेंट कहलाएगा और कब रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो हर पर्सन के लिए अलग अलग प्रोविजन है, अलग हर पर्सन के लिए अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो ये बताते हैं कि इस पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए ये कंडीशंस हैं। अगर वो ये कंडीशन पूरी कर देता है तो उस केस में वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा इंडिविजुअल और HUF के बारे में कि एक इंडिविजुअल और HUF कब रेजिडेंट बन पाएगा। तो इसमें सबसे पहले उठा लेते हैं इंडिविजुअल को कि एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना है। अगर एक इंडिविजुअल को हम चाहते हैं वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए तो उसे क्या बातें पूरी करनी पड़ेंगी
आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करके वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो अब समझ लेते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है, क्या है वो कंडीशंस जो हमें सेटिस्फाई करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल का बताऊंगा, फिर आप एचयूएफ का देखेंगे, सिमिलरली फर्म एओपी बीओआई का स्टेटस जानेंगे, कंपनीज के बारे में समझेंगे, अदर पर्सन के बारे में जानेंगे। इसी तरह से मेरा रेजिडेंशियल ऑफ स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के केस में, हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को आप इंडिया का रेजिडेंट कहोगे इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में, इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर वो इनमें से जो नीचे कंडीशन लिखी हुई है उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इन एनी प्रीवियस ईयर ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसको हम कहेंगे बेसिक कंडीशन। तो यहां पर जो मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं, इन कंडीशंस को मैं कहूंगा बेसिक कंडीशन। कंडीशन में दो कंडीशन दी हुई है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, अगर कोई पर्सन किसी प्रीवियस ईयर में एनी वन, पहली या दूसरी में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, ही और शी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। उस पर्सन का इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहना जरूरी है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसे इंडिया में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी उसका प्रीवियस ईयर होगा। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए जो काम का प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, वो है 2021, मींस 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो अगर कोई पर्सन 2021 में रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसे 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर वो 182 दिन इंडिया में रह लेता है तो उस केस में माना जाएगा कि वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन गया। तो ये रही आपकी पहली कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, कि दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है जिससे कि आप रेजिडेंट बन जाएंगे। ही और शी स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड, यहां पर ये जो एंड वर्ड लिखा है ना, इसको आप ऐसे समझिएगा, दिस एंड इज प्लस, मतलब आपको 60 दिन तो रहना ही रहना है, प्लस फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप जिस प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं उस साल आपको 60 दिन रहना है और ठीक उसके पिछले 4 सालों में आपको 365 दिन रहना है। तो अगर आप 60 दिन इस साल में रहते हैं जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, और उसके ठीक पिछले 4 सालों में आप 365 दिन रहते हैं, तो आप सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। और अगर आपने सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। रेजिडेंट बनाने के लिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप दूसरी कंडीशन पर जाइए। दूसरी कंडीशन कहती है कि आपको ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 60 दिन रहना है, 60 डेज रहना है, और उसके ठीक पिछले 4 सालों में
365 दिन या उससे ज्यादा रहना है। तो अगर आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे, रेजिडेंट है, पहली नहीं कर पाएंगे, दूसरी कर देंगे तो भी आप रेजिडेंट हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ना, उसके अंदर अपने आप में दो कंडीशंस हैं। पहली 60 दिन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो ये दो कंडीशन अगर पूरी कर देंगे आप, तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज आप रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, मैं आपको कह सकता हूं अगर कोई पर्सन पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, उसको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो दूसरी कंडीशन पर जाएगा, और दूसरी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तब भी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। उस केस में फिर पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है, ये अपने आप में दो कंडीशन है। तो आप यहां पर ध्यान रखना, ये वर्ड एंड लिखा है, तो आपको 60 दिन तो रहना है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और साथ के साथ आपको उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर इसको समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, एक अप्रैल 2020 से 31/3/2021, ये आपका पीरियड है 12 मंथ्स का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये वाला जो प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है, इसके अंदर आपको रहना है 182 डेज और मोर। आपको रहना है यहां पर 182 दिन या उससे ज्यादा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी ए। बी कंडीशन क्या कहती है, आपको 60 डेज रहना है, प्लस 60 डेज कब रहना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, और 365 दिन रहना है आपको ठीक इसके पिछले 4 साल। तो यहां पर मैं 4 साल बना देता हूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल। तो ये 1 साल हो गया, ये मेरा दूसरा साल हो गया, फिर ये मेरा थर्ड ईयर है, और सिमिलरली ये मेरा फोर्थ ईयर है। यहां से आप समझ रहे हैं, यहां से आपको पीछे 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल यहां जाना है, और इस पूरे पीरियड में आपको रहना है कम से कम, इस वाले पूरे पीरियड में आपको कम से कम कितने दिन रहना है, 365 दिन। अगर आप 365 दिन यहां रहते हैं, चाहे आप एक ही साल में रह लें, चाहे आप 4 सालों में रहें, चाहे आप 2 सालों में रहें, ओवरऑल आपको इस पीरियड में, 4 साल के पीरियड में 365 दिन आपको रहना है। अगर आप 365 दिन रहते हैं और करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन रहते हैं तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी मच क्लियर कि आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सॉरी दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन है आप या तो 182 दिन रह लीजिए, अगर आप 182 दिन नहीं रहते हैं तो आप 60 दिन रह लो, लेकिन साथ के साथ आप पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रह लो। अगर आप ऐसा करते हैं देन यू विल बी अ रेजिडेंट। अगर आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी आप रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर आपने पहली नहीं करी दूसरी करी तो भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे, आपने पहली भी नहीं करी दूसरी भी नहीं करी तो आप रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे, फिर उस केस में हम आपको क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ द इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन अबव, द इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी एज नॉन रेजिडेंट। तो
उस केस में हम इंडिविजुअल को क्या मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट। फिर हम वहां पर इंडिविजुअल को रेजिडेंट नहीं मानेंगे। तो रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन है, पहली दूसरी। पहली सेटिस्फाई कर दोगे रेजिडेंट हो, पहली नहीं करी दूसरी कर दो रेजिडेंट हो, दूसरी भी नहीं करी तो फिर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। आई होप यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। उस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहती है। यहां पर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन वन जो कि दी गई है एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के नाम से। क्या कहती है एक्सप्लेनेशन, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल है, विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज। यहां पर सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जो नीचे दिए गए पर्सन की कैटेगरी होगी, उन लोगों को रेजिडेंट केवल तभी माना जाएगा जब वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रह लेंगे। इसका मतलब अभी जो हमने ऊपर अपनी कंडीशंस पढ़ी ना, जिसमें जिसे हमने बेसिक कंडीशन का नाम दिया था कि आप या तो पॉइंट नंबर ए 182 दिन या उससे ज्यादा रह लो, या पॉइंट नंबर बी आप 60 दिन रह लो और पिछले 4 सालों में 365 दिन रह लो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो यहां पर ये कहना चाहती है एक्सप्लेनेशन कि जो नीचे दिए गए पर्सन ऑफ कैटेगरी होगी उनके लिए केवल 182 दिन रहना जरूरी हो जाएगा। या मैं कह सकता हूं कि जो मैंने पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू पढ़ा तो इनके लिए पॉइंट नंबर टू बेकार है। इनको तो पॉइंट नंबर वन जो कि 182 दिन की बात करता है केवल वही इनके ऊपर एप्लीकेबल है। यस, इन लोगों के ऊपर जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूं उन लोगों के लिए केवल पॉइंट नंबर वन की कंडीशन ही एक कंडीशन है टू बिकम अ रेजिडेंट। तो अगर ये इंडिया के रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो केवल ये पॉइंट नंबर वन इनके लिए ऊपर एप्लीकेबल होगा, इनके ऊपर पॉइंट नंबर टू एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस अगर ये इंडिया के रेजिडेंट होना चाहते हैं या ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहते हैं और रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो इन्हें 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा, इनके लिए पॉइंट नंबर टू काम का नहीं होगा। कौन कौन से हैं ऐसे दो लोग, सबसे पहले इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, जिन्होंने इंडिया छोड़ दिया इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी साल में इंडिया छोड़ दिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इस पर्पस से छोड़ा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मतलब वो देश छोड़ के किसी दूसरे देश चले गए, और पर्पस क्या था उनका जाने का, एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, चाहे वो नौकरी के लिए गए चाहे अपने बिजनेस के लिए गए, वट एवर द रीजन इज, अगर वो इंडिया छोड़कर चले गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर माना जाएगा कि वो ए कैटेगरी के पर्सन है और उनके ऊपर ये फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगी, सेकेंड वाली कंडीशन उनको नहीं दी जाएगी। पूरा पढ़ लेते हैं इसको, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और लीव्स इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। तो अगर आप एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप हैं और आपने इंडिया छोड़ दिया, इस पर्पज से छोड़ दिया क्योंकि आप मेंबर थे क्रू के, तो उस केस में भी आप इस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे और आपके ऊपर पॉइंट नंबर वन ही एप्लीकेबल होगा, जहां पर आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना होगा टू बिकम अ रेजिडेंट। अगर आप 182 दिन नहीं रहेंगे तो जो दूसरी वाली कंडीशन थी 60 दिन प्लस 365 दिन वाली, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरे कौन से लोग हैं, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मैं आपको बताऊंगा कौन होते हैं POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सबसे पहले लिखा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं
इंडियन सिटीजन थे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर एन एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और प्रोफेशन इन एनी अदर वोकेशन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए या किसी वोकेशन के लिए अपना देश छोड़ दिया था और आप इंडिया आए हैं वापस घूमने के लिए या आप इंडिया किसी भी पर्पस से आए हैं, तो आप पॉइंट नंबर बी में कवर हो जाएंगे और आपके ऊपर पॉइंट नंबर ए वाला, जहां पर 182 दिन की कंडीशन रखी गई थी, केवल वही कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो बिकम अ रेजिडेंट, मतलब अगर आप 182 दिन रहेंगे तो हम आपके ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, रेजिडेंट का स्टेटस दे देंगे। अगर आप 182 दिन नहीं रहेंगे तो आप रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे। पॉइंट नंबर टू को फिर से समझ लेते हैं। इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपने इंडिया छोड़ दिया था किस पर्पस से? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, प्रोफेशन के पर्पस से या किसी वोकेशन के पर्पस से। और आप इंडिया आए हो, विजिट पर आए हो, मतलब परमानेंट नहीं आए, आप विजिट करने आए थे इंडिया, चाहे घूमने आए थे चाहे किसी काम से आए थे, तो उस केस में आप सेकेंड कैटेगरी में कवर हो जाओगे और आपके लिए बेसिक कंडीशन में जो पहली वाली कंडीशन है केवल यही एप्लीकेबल होगी, आपको दूसरी कंडीशन नहीं दी जाएगी टू डिटरमाइन योर रेजिडेंशियल स्टेटस। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन में। मींस द सेकेंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर अबव टू पॉइंट्स। तो जो हमने ऊपर दो बातें बोली ना, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ दिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ दिया है एज ए मेंबर ऑफ क्रू, तो आपके ऊपर दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आप इंडियन सिटीजन हो या पीओआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए या वोकेशन के लिए इंडिया छोड़ दिया है और फिर आप इंडिया आते हो, तो आपके ऊपर दूसरी बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आप सिंपली 182 दिन रहोगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप 182 दिन नहीं रहोगे तो आप रेजिडेंट नहीं बन पाओगे। आई होप यहां तक की सारी बातें सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। यहां पर जब मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का स्कोप बता रहा था कि रेजिडेंट के केस में इनकम का स्कोप वाइडर हो जाता है, जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम का स्कोप नैरो हो जाता है, तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आप मुझे बताइए कि सरकार की इंटेंशन क्या होती होगी, किसी पर्सन को रेजिडेंट बनाना या नॉन रेजिडेंट बनाना। सरकार की इंटेंशन क्या होती होगी, मतलब सरकार को फायदा किसमें होता होगा कि किसी पर्सन को रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो या किसी पर्सन को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो। ऑब्वियसली सरकार को फायदा होता होगा अगर वो किसी पर्सन को रेजिडेंट डिक्लेयर करती होगी। क्यों भाई? अगर किसी पर्सन को सरकार ने कहा ये रेजिडेंट है, तो उस केस में अब सरकार के पास स्कोप ज्यादा आ जाता है इनकम का। अब अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी इंडिया वाली इनकम पर भी टैक्स मांग लो, और जो वो इंडिया के बाहर कमा के आया है उस पर भी टैक्स मांग लो, तो सरकार को यहां पर फायदा है। तो सरकार की इंटेंशन रहती होगी जनरली कि किसी पर्सन को रेजिडेंट बना दो ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा इनकम पर हमें टैक्स मिल पाए। जबकि पर्सन की इंटेंशन क्या होती होगी कि वो नॉन रेजिडेंट बना रहे और उसे केवल उसी इनकम पर टैक्स देना पड़े जो उसने इंडिया में रह के कमाई है। तभी आप समझ पाएंगे, अगर आप इस बात को समझ पाए होंगे तो आप इस लॉजिक को पकड़ लेंगे कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, एनआरआईज होते हैं, वो इंडिया में आने के बाद बहुत लंबे समय तक इंडिया में नहीं रुकते, क्योंकि अगर वो इंडिया में बहुत लंबे समय तक रुक गए तो ऐसे में जो वो बाहर पैसा कमाते हैं, आउट ऑफ इंडिया अपनी इनकम अर्न करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उस पर भी उनसे टैक्स मांग लेगी अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। तो ये एक रीजन है कि
एनआरआईज इंडिया में आते तो हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रुकने की कोशिश नहीं करते, और जब भी वो आते हैं तो मैक्सिमम देखा गया है कि वो प्लानिंग करके आते हैं और अपने कंसल्टेंट से या सीए से एक कंसल्टेंट कंसल्टेंसी लेके आते हैं कि बताइए मुझे इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए ताकि मैं नॉन रेजिडेंट बना रहूं, मैं इंडिया का रेजिडेंट ना बन जाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि सरकार का हमेशा फायदा होगा अगर वो किसी पर्सन को रेजिडेंट डिक्लेयर कर देगी, तो रेजिडेंट बनाने से उसकी ज्यादा इनकम पर उनको टैक्स मिल पाएगा, जबकि नॉन रेजिडेंट बनाने से उनकी कम इनकम पर ही उसे टैक्स मिल पाएगा। तो यहां पर सरकार ने इन दो लोगों को ना एक फायदा देने की कोशिश करी है। सरकार ने बोला अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा देश छोड़ दिया था तो हम आपको रेजिडेंट बनाएंगे अगर केवल आप 182 दिन हमारे इंडिया में आके रहोगे। तो सरकार आपको यहाँ बेनिफिट देना चाहती है, मतलब सरकार कह रही है हम आपके ऊपर दूसरा वाला पॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई ना करने का मतलब अगर आप कभी गलती से 60 दिन इंडिया आके रह भी लोगे ना तो हम आपको रेजिडेंट नहीं बनाएंगे, हम आपको रेजिडेंट तभी बनाएंगे जब आप 182 दिन रहोगे। 182 दिन का मतलब है मोटा मोटा 6 महीने आप इंडिया में रहोगे तभी आप रेजिडेंट बन पाओगे, अदरवाइज आप रेजिडेंट नहीं बन पाओगे। और दूसरा फायदा किसको देना चाहा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्होंने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन या वोकेशन के लिए इंडिया छोड़ा था और अब वो इंडिया घूमने के लिए या विजिट पर आ रहे हैं तो उन्हें भी रेजिडेंट तभी बनाएंगे जब वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे, अदरवाइज उन्हें भी हम रेजिडेंट नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनकी हर इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, केवल वही इनकम जो उन्होंने इंडिया में रह के कमाई या इंडिया से कमाई होगी उसी पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक फायदा है जो यहाँ पर देना चाहती है गवर्नमेंट उन लोगों को जो कि पॉइंट नंबर ए में और पॉइंट नंबर बी में क्लासिफाई किए गए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सेकेंड बेसिक कंडीशन इन दो लोगों के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टूडेंट्स यहां पर एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 में। फाइनेंस एक्ट 20 जब आया तो यहां पर एक अमेंडमेंट लेके आए, बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है क्योंकि काफी टाइम से रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर कोई अमेंडमेंट नहीं आ रही थी। अब फाइनली 2020 में जब फाइनेंस एक्ट आया तो यहां पर एक अमेंडमेंट आई। इस अमेंडमेंट को मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उससे पहले हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं। एक बात बताइएगा आप, आइए पेज नंबर 2 पर, यहां पर आप देखेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे होंगे। मत देखिएगा अभी यहां क्या लिखा हुआ है, जस्ट मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए आप इंडिया में आते हैं, इंडिया में आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बॉम्बे चले गए, आप मद्रास चले गए, आप इंडिया के किसी और पार्ट पे चले गए, फिर आप कुछ दिन इंडिया में रहे, फिर इंडिया छोड़ के आप वापस चले गए, तो ये जो 182 दिन आपके काउंट करने हैं क्या ये ऐसे करने हैं कि जिस दिन आप आएंगे और जहां रहेंगे वहीं पर आपका रहना जरूरी होगा, आप इंडिया में आने के बाद मूव नहीं कर सकते, इंडिया में अगर आप दिल्ली पर उतरे हैं तो दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली के बाद आप मद्रास नहीं जा सकते, आप कहीं और नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। द स्टे मस्ट बी इन इंडिया, जो आपका 182 दिन का पीरियड देखना है ये आपका इंडिया में होना चाहिए। इंडिया के किस पार्ट पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं और है, ये हमें नहीं देखना है। सो स्टे मस्ट बी इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के किस हिस्से में हो रहा है इट डजंट मैटर। तो यहां पर सेकेंड नंबर पॉइंट आप देखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस और एक्टिव। दूसरी बात, एक चीज ये भी देखिए,
आप 2 दिन के लिए इंडिया आते हैं, फिर आप इंडिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर 10 दिन बाद आप इंडिया आते हैं, 6 दिन रहते हैं, फिर आप छोड़कर चले जाते हैं। सिमिलरली आप 20 दिन बाद आते हैं, फिर 4-5 दिन रहते हैं। तो ये जो 182 दिन हमें देखने हैं, क्या ये हमें ये देखना है कि कॉन्टिन्यूअस 182 दिन आप इंडिया में होने चाहिए? आंसर इज नो। अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ब्रेक्स में भी रहते हैं, बट पूरे 1 साल में आप 365 दिन रह लेते हैं, देन स्टिल यू विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। और जब हम आपके 182 दिन कंप्यूट करेंगे, या 60 दिन कंप्यूट कर रहेंगे, या 365 दिन कंप्यूट करेंगे एज द केस में भी, तो आपका कॉन्टिन्यूअस स्टे इंडिया में हो ऐसा जरूरी नहीं माना जाएगा। आप 1-2 दिन, 1-2 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन करके भी आप इंडिया में माने जाएंगे। तो सेकेंड नंबर पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस और एक्टिव। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट नंबर वन, स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मतलब केवल आप वो इंडिया मत समझना जो आप देख रहे हो अपने मैप्स में। तो अगर आप अपने मैप्स देखोगे तो शायद आपको इंडिया कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ये इंडिया है मान के चलते हैं। तो ये इंडिया का जो मैप है, ये तो इंडिया है ही है, मतलब ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो ना, लैंड लिमिट्स जो हम कहते हैं, सीमाएं, इंडिया की सीमा, तो ये सीमा तो इंडिया है ही है। इसके इधर जो पानी आप देखते हो, ये जो पानी है सारा, ये भी इंडिया है। दिस इज ऑल्सो इंडिया। कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक। जब हम पानी के अंदर दूरी मेजर करते हैं, जब हम लैंड के ऊपर दूरी मेजर करते हैं, तो वो किलोमीटर्स होती है। जब हम पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो वो नॉटिकल माइल कहलाता है। और इंडिया कहां तक शामिल है? इंडिया का मतलब कहां तक होगा? 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो अगर आप मान लीजिए किसी और कंट्री से आए और पानी के अंदर ही रहे, पानी के अंदर आप रहे ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 184 डेज, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो इंडिया में आया ही नहीं था, मैंने तो इंडिया का बॉर्डर टच किया ही नहीं था, मैं तो इंडिया की जमीन पे पैर रखा ही नहीं था। अगर आप पानी में हो और आप इस डिस्टेंस के अंदर हो, तब भी आप इंडिया के अंदर हो, ये मान लिया जाएगा। तो इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया की पानी की लिमिट्स में हो, तब भी आप माने जाओगे आप इंडिया में हो। और इंडिया का 12 नॉटिकल माइल मतलब 1852 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। तो आप कुछ सोचो, इंडिया की जमीन जहां खत्म होगी, वहां से 1852 किलोमीटर दूर तक भी अगर आप आ गए हो, तो आप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में हो और आप मान लिए जाओगे कि आप इंडिया में हो। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। आपने एक प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया, तो अब आपको दूसरे प्रीवियस ईयर के लिए सेपरेटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। आप एक प्रीवियस ईयर में अगर रेजिडेंट हो गए हैं या नॉन रेजिडेंट हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अगले प्रीवियस ईयर के लिए भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बन जाओगे ऑटोमेटिकली। इट इज नॉट लाइक दैट। तो आप जिस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके लिए कैलकुलेशन करोगे, फिर जब अगला प्रीवियस ईयर आएगा, तो आपको कैलकुलेशन सेपरेटली करनी पड़ेगी, आपको वहां पर उसका डिटर्मिनेशन फिर से करना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लॉक ऑफ 24 आवर शेल बी टेकन एज वन डे। तो मान लीजिए आप 12 घंटे इंडिया में रहते हैं, फिर आप इंडिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर आप आते हैं 4 घंटे इंडिया में रहते हैं, फिर आप इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में जब आपके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसे हम एक दिन मान लेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये टाइम कैसे पता चलेगा कि कब आप इंडिया में आए और कब आप इंडिया छोड़कर चले गए, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चलेगा? तो एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा आपके पासपोर्ट से।
तो जब आप इंडिया में आते हैं तो अराइवल की एक एंट्री होती है, जब आप इंडिया छोड़कर जाते हैं तो एक डिपार्चर की एंट्री होती है। वहां से आपका टाइम पता चलेगा कि आप किस टाइम पर इंडिया छोड़कर गए थे और किस टाइम पर आप इंडिया में एंटर हुए थे। दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टे शुड बी एट अ सेम प्लेस और अ रेजिडेंस, बिजनेस ऑफ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपका रहना एक जगह पर जरूरी नहीं है, आप मल्टीपल लोकेशंस पर रह सकते हैं। आप आए थे दिल्ली में, फिर चले गए आप मुंबई, फिर आप चले गए चेन्नई, तो आप एक जगह पर रहेंगे 182 दिन, या आप एक जगह पर रहे ऐसा जरूरी नहीं होगा, आप मल्टीपल लोकेशंस पर भी रह सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंडिया में हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इंडिया के किस पार्ट पे हैं। इसके बाद, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन एसएससी टू प्लेस ऑल मटेरियल फैक्ट बिफोर द असेसिंग ऑफिसर टू एनेबल हिम टू डिटरमाइन द करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब भी मान लीजिए कोई डिस्प्यूट की बात आएगी कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ग्राउंड्स रख रहा होगा कि आप रेजिडेंट नहीं है, आप अपनी तरफ से ग्राउंड्स रखेंगे कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, एज द केस में भी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी दी गई है, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, वो एसएससी के ऊपर की गई है। तो अगर डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप रेजिडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं रेजिडेंट नहीं हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो सभी फैक्ट्स, वो सभी मटेरियल एविडेंस उसके सामने रखें जिससे कि वो आपका सही रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर पाए। तो यहां पर ओनस किसके ऊपर आ गया? ओनस आपके ऊपर आ गया। अगर आप कहेंगे कि मैं रेजिडेंट हूं, तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे एविडेंस कि क्यों आप रेजिडेंट हो, और अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो आपको सबमिट करना होगा Why you are a non-resident? तो यहां पर डिपार्टमेंट के ऊपर ओनस नहीं है, ओनस आपके ऊपर है। इसके बाद, both the date of departure and as well as the date of arrival are considered to be in India if the actual time or of arrival and departure is not known। अगर आपके आने का टाइम नहीं पता, आपके जाने का टाइम नहीं पता, तो साहब जिस दिन आप इंडिया में आए थे वो दिन भी आपका इंडिया में माना जाएगा, और जिस दिन आप इंडिया से गए थे वो दिन भी आपका इंडिया में स्टे माना जाएगा। तो मान लीजिए आप 1 जनवरी को गए थे इंडिया छोड़कर, तो 1 जनवरी मान ली जाएगी कि आप इंडिया में थे, और आप 2 जनवरी को इंडिया छोड़कर गए थे तो मान लिया जाएगा कि 2 जनवरी भी आप इंडिया में ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली आप 1 और 2 के बीच में ही इंडिया में थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपका आने का और जाने का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था, तो ऐसे में हम आपकी जाने वाली तारीख एज वेल एज आने वाली तारीख दोनों डेज को इन इंडिया के स्टे में इंक्लूड कर लेंगे। आई होप यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या कोई और पॉइंट भी है। यस, वी हैव अ फ्यू मोर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइनिंग अबव फॉर द इनकम टैक्स पर्पस एंड हैज नो रिलेशन विद द सिटीजनशिप। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड द रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो ये रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द इनकम टैक्स, इसका और किसी से कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स के हिसाब से आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। इंडियन सिटीजनशिप अलग चीज है, यूएसए की सिटीजनशिप अलग चीज है, यूएसए के रेजिडेंट लॉ क्या कहते हैं वो अलग चीज है। हमें यहाँ पर केवल इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस समझना है कि हमारे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मीनिंग होगा फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ओनली। पॉइंट नंबर 9, अ पर्सन इज सेट टू बी इंडियन ओरिजन। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इंडियन ओरिजन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो अब यहां पर समझाया है इंडियन ओरिजन का क्या मतलब है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इंडियन ओरिजन का मतलब है इफ ही, मतलब वो खुद, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता में से कोई भी, और
ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी में से कोई भी वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर उसका या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का, मतलब उसका या उसके पेरेंट्स का या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, अगर जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो उस केस में वो पर्सन ईओआई कहलाएगा। अब आप पूछेंगे अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स इंडिया बिफोर 1947। तो इंडिया डिवाइड हुआ था 1947 में, तो 1947 से पहले का जो भारत था वो अनडिवाइडेड इंडिया था, 1947 के बाद का जो भारत बना वो डिवाइडेड इंडिया हो गया। तो अगर आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म 1947 से पहले भारत में हो गया था, तो आप उस केस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाओगे। आप ऐसे में मान लिए जाओगे कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गए हैं, और अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड बेसिक कंडीशन आपके लिए रखी गई थी 60 दिन और 365 दिन वाली, वो हटा दी जाएगी और आपको इंडिया का रेजिडेंट तब माना जाएगा जब आप 182 दिन इंडिया में रहेंगे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, द डेट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप, साइनिंग ऑफ बाय सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज शेल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे। तो अगर आप मेंबर ऑफ क्रू हैं, मतलब आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, ये मेंबर ऑफ क्रू में एक टेक्निकल वर्ड है, जिस दिन आप अपना वॉयज छोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के केस में जो आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी या साइनिंग ऑफ की डेट होगी, उसको वहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टे इन इंडिया। ठीक है। इस पॉइंट नंबर 10 के ऊपर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप एक बार रीड करिएगा, रीड करने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मैंने यहां पर इसका आंसर भी दिया हुआ है जस्ट फॉर योर रीचेकिंग ओनली। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट नंबर 10 पर मैंने आपको समझाया, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि डेट ऑफ डिस्चार्ज जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं या जिस दिन आप उसको साइन ऑफ करते हैं, वो डेट आपकी एक्सक्लूड की जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है जी। तो ये कुछ 10 बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए और लॉजिकल भी है। यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक इलॉजिकल चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ ये बात अच्छी नहीं थी बट फिर भी हमने मान लिया। तो इट इज वेरी लॉजिकल थिंग्स जो रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ पर बताई गई हैं और आपको याद भी रखनी है व्हाइल कंप्यूटिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एनी पर्सन। तो यहाँ पर अभी तक की नॉलेज के बेस पर आप मुझे बताइएगा, बेसिक कंडीशन में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2, जिसमें पहली कंडीशन थी आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना है, दूसरी कंडीशन थी आपको 60 दिन या 365 दिन, 60 दिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहना है और 365 दिन ठीक पिछले 4 साल में आपको रहना है। अगर आप पहली कंडीशन पूरी कर देंगे तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर आप पहली नहीं कर पाएंगे तो आपको दूसरी कंडीशन पूरी करनी है, अगर आप दूसरी पूरी कर देंगे तो रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर आपने दूसरी भी पूरी नहीं करी तो आप उस केस में नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, दूसरी बेसिक कंडीशन आपने पूरी कर दी, आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। और एक बात, अगर आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी तो क्या आपको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाना जरूरी है? आंसर इज नो। अगर आपने पहली पूरी कर दी और आप रेजिडेंट बन गए, देन व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू
फुलफिल द सेकंड कंडीशन, कोई जरूरत ही नहीं है आपको वहां पर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाने की, जरूरत नहीं है ना ही आप उसको चेक करेंगे। अगर आप पहली कंडीशन से रेजिडेंट बन गए हैं तो आप रेजिडेंट ही माने जाओगे, फिर आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां दूसरे केस में आपने पहली कंडीशन पूरी कर दी है लेकिन दूसरी में आप फेल हो गए, स्टिल यू विल बी रेजिडेंट। थर्ड केस, आपने पहली कंडीशन पूरी नहीं करी बट दूसरी वाली कर दी तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। फोर्थ केस, आपने पहली कंडीशन भी पूरी नहीं करी और आप दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं कर पाए, आप क्या बन जाएंगे यहां पर, नॉन रेजिडेंट। आई होप यहां तक मैं क्लियर हो चुका होऊंगा आप सभी को। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकता है, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो वापस आएंगे पेज नंबर 1 पर, जहां पर मैं आपको अमेंडमेंट्स बता रहा था। मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आई 2020 में, जिसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर। पहले क्या होता था, जो रेजिडेंट लोग हैं उनकी मैक्सिमम इनकम पर टैक्स लगता था, जो वो इंडिया में कमा रहे थे उस पर भी और जो वो इंडिया के बाहर कमा रहे थे उस पर भी। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनकी केवल उस इनकम पर टैक्स लग रहा था जो वो इंडिया में कमा रहे थे या इंडिया से कमा रहे थे। अब क्या किया, इन्होंने उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करी जो इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया के बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे भी इनकम टैक्स लिया जा सके, उनकी और इनकमों पर टैक्स लिया जा सके, उस इनकम को ट्रैप करने के लिए यहां पर एक अमेंडमेंट लेके आए फाइनेंस एक्ट 20 में। अमेंडमेंट क्या लेके आए, बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट है, टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे समझ आ जाएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या अमेंडमेंट आई है। द अबव क्लॉज, क्लॉज नंबर बी जो हमने ऊपर पढ़ा, ऑफ एक्सप्लेनेशन 1, मतलब ये वाला, हैज बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 20। इसको अमेंड कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा। ये ऊपर वाला क्लॉज क्या था, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। ऊपर वाला क्लॉज कहता था अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसने इंडिया छोड़ दिया था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन, फॉर द पर्पस ऑफ वोकेशन, और वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, और वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो उसके केस में 60 दिन और 365 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी, उसको 182 दिन रहना पड़ेगा टू बिकम अ रेजिडेंट। तो अगर आप उसे रेजिडेंट बनाना चाहते हो तो उसको 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाकर वो रेजिडेंट बन पाएगा। अब अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, अमेंडमेंट क्या आई है देखते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, ही शैल नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया अनलेस His stay in India for at least 182 days। यही बात अभी तक हमने समझी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आपने इंडिया छोड़ दिया था बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए, वोकेशन के लिए, और आप इंडिया में घूमने आते हो, विजिट के लिए आते हो, तो आप रेजिडेंट नहीं बन पाओगे जब तक आप 182 दिन नहीं रह लोगे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इन विच ही विजिट्स इंडिया। अब यहां अमेंडमेंट लेके आए हैं, एंड इस अमेंडमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा।
इफ सच पर्सन, ऊपर वाला पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इफ सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जो उसके फॉरेन सोर्सेज की इनकम है उसको छोड़ देते हैं, एक्सीडिंग ₹15 लाख, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में, ही शेल नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, उसको इंडिया का रेजिडेंट नहीं मानेंगे अनलेस हिज स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर उसका 120 दिन से ऊपर का स्टे नहीं हो जाता है इंडिया में ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इन विच ही विजिट्स इंडिया एंड 365 डेज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर और पिछले 4 सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको बेसिक कंडीशन दी गई थी ना पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर टू में, पॉइंट नंबर ए अभी भी एज इट इज रहा 182 दिन का, और जो पॉइंट नंबर टू उनके लिए खत्म कर दिया गया था जहां पर बोला था सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो वहां उनके लिए एक सेकंड कंडीशन ले आए। सेकंड कंडीशन में क्या ले आए, 120 दिन तो आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहना है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और 365 दिन आपको पिछले 4 सालों में रहना है। तो अगर आप इस कंडीशन को पूरी कर जाओगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, मतलब आप 182 दिन नहीं रहे, कोई बात नहीं, आप मत रहो 182 दिन, लेकिन अगर आप 120 दिन रह गए और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रह गए, तो आप इस कंडीशन के तहत रेजिडेंट बन जाओगे और फिर आपको आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना होगा। ग्लोबल इनकम का मतलब जो आपने इंडिया में कमाई होगी वो भी, और जो आपने इंडिया के बाहर कमाई होगी उस पर भी आप टैक्स दोगे, क्योंकि अब आप रेजिडेंट बन गए हो एज पर पॉइंट नंबर टू जो यहां पर अमेंडमेंट लेके आए हैं। लेकिन ये बात केवल तभी अप्लाई होगी जब आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन सोर्सेस इनकम। तो फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़ दें, उसके अलावा अगर आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो आपके लिए कंडीशन बन जाएगी और फिर आप इंडिया के रेजिडेंट भी बन जाओगे। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और एक चार्ट के थ्रू इसी बात को समझा दूंगा कि यहां पर ये अमेंडमेंट में क्या कहना चाहते हैं। और तो मैं इसी बात को अभी इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको ये बात ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, बट दे आर ट्राइंग टू से अंडर द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में सिंपली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा है जो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है और उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर, तो हम उसको भी टैक्स करना चाहते हैं। अब उसको टैक्स करने के लिए क्या करें, उसको रेजिडेंट बनाएं। कैसे बनाए रेजिडेंट, रेजिडेंट बना देंगे ऐसे, हम उसको पूछेंगे अगर तुम करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें तुम 120 दिन रह लिए और पिछले 4 सालों में 365 दिन रह लिए, तो भाई साहब आप रेजिडेंट बन जाओगे इंडिया के और फिर हम आपकी हर इनकम पर टैक्स कर देंगे, चाहे वो फिर आपने इंडिया में कमाई है चाहे वो आपने इंडिया के बाहर कमाई है। क्लियर है हमें यहां तक? अभी इसी का कॉन्टिन्यूएशन और देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, अब लेमैन में लिखा हुआ है कि यहां पर क्या मीनिंग है इसका, तो इन अदर वर्ड्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो दिस इज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैड बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन द प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर एंड Who's undertake a visit to in India in any previous year and whose total income other than the income from foreign sources does not exceed 15 lakh shall not be resident if his stay is up to 181 days. तो यहां पर सिंपली उन्होंने क्या बोला, आपका
फॉरेन सोर्सेस का इनकम को छोड़ दें तो बाकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है ना, तो हम आपको रेजिडेंट नहीं बनाना चाहते। आप 182 दिन रहोगे तभी आप रेजिडेंट बन पाओगे। अगर आप 182 दिन नहीं रहोगे यू विल नॉट बी बिकम अ रेजिडेंट। लेकिन अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो भाई साहब हम आपको रेजिडेंट बनाना चाहते हैं। सरकार कह रही है आप 15 लाख से ज्यादा कमाते हो, आप तो हमारे लिए बहुत अच्छे लोग हो, आपसे तो हमें टैक्स लेना है, तो हम आपको रेजिडेंट बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएं? पहली कंडीशन, आप पिछले 365 आप पिछले 4 सालों में 365 दिन रह लो और करंट ईयर में आप 120 दिन रह लो। तो यहां पर ये थोड़ा नेगेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि शेल नॉट बी रेजिडेंट, हम उसे रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अगर उसका स्टे 119 दिन तक होता है तो यहां पर सरकार पता है आपको क्या कह रही है, आप इंडिया आए हो ना 120 दिन से पहले इंडिया छोड़कर चले जाना अगर आप नॉन रेजिडेंट रहना चाहते हो। अगर आप 120 दिन रह लिए देन यू विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और फिर तो हम आपकी सारी इनकम पर टैक्स कर देंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अगर आप 119 दिन तक रहोगे, 119 दिन से ज्यादा रह लोगे ना, तो भाई साहब आप रेजिडेंट बन जाओगे फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। क्लियर है यहां तक? इसी अमेंडमेंट को एक बार फिर से देखेंगे नीचे एक डिफरेंट वर्ड्स में लिखे हुए जो आपको रेड कलर में दिया गया है। आई होप आपको वहां से और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉरेन सोर्सेस की इनकम का क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अमेंडमेंट वाले पार्ट को जो फाइनेंस एक्ट 20 में की गई थी। अमेंडमेंट में लिखा था नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट, तो हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर में इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है और उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़कर, तो हम उसे इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। मतलब यहां पर एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट की गई है कि चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या मत करो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पर डीम कर दिया है आपको। किसको डीम किया? एक ऐसा इंडियन सिटीजन या ऐसा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसने इंडिया छोड़ दिया था, अब उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर है और वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता है ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। क्यों नहीं देता? बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल की वजह से नहीं देता, बाय रीजन ऑफ रेजिडेंस, हो सकता है उस कंट्री के लॉ ये कहते हो कि अगर आप कहीं और के रेजिडेंट हो तो आप वहां पर टैक्स देना, हमारे यहां मत देना, या एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, तो उस केस में हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। क्या कर लेंगे सर? उस केस में हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। मानो या ना मानो, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं थे, बट मानो या ना मानो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस अमेंडमेंट को आने के बाद बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते थे एनआरआईज, वो अब इस इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं, अब वो डीम्ड रेजिडेंट बन गए हैं।
और अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बन गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब उनसे इंडिया के इनकम पर भी टैक्स लिया जाएगा, और जो वो इंडिया के बाहर कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स लिया जाएगा, लेकिन केवल वही लोग जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर किसी की इनकम 15 लाख से कम है ना, तो उसको अभी भी डीम्ड रेजिडेंट नहीं माना गया है, उनको अभी भी बाहर रखा गया है, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। क्लियर है हम यहां तक? फॉरेन सोर्सेस की इनकम का क्या मतलब होगा, जो मैंने अभी आपको बताया इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, तो यहां पर लॉ ने डिफाइन किया है फॉरेन सोर्सेस की इनकम को, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6 द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मींस इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट द इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ऐसी कोई इनकम जो आप इंडिया के बाहर कमाते हो लेकिन उसका कोई रिलेशन इंडिया से नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो ऐसे बिजनेस की इनकम ना हो जो इंडिया से कंट्रोल होती हो और ऐसे प्रोफेशन की इनकम ना हो जो इंडिया में सेटअप हो रखी हो, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और उसे इंडिया का डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज भी ना माना गया हो, तो वो इनकम आपकी फॉरेन सोर्सेस की इनकम होगी और उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग 15 लाख वाली लिमिट। तो जब आपका 15 लाख रुपए कंप्यूट हो रहा होगा ना, तो उस इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से कम है। ज्यादा होगी तो आप इस तरह से अमेंडमेंट में कवर हो जाओगे, और कम होगी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम आपको कवर करना ही नहीं चाहते थे। सिंपल सा केस है। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। नहीं है जी कोई डाउट? ओके, तो अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, देन उसके बाद समझेंगे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं। अ सिटीजन ऑफ यूएसए हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1991। एक यूएसए का सिटीजन है, इंडिया में रह रहा था 1991 से। ही लीव्स इंडिया ऑन 16th of 7 2020। उसने 16/7/2020 को इंडिया छोड़ दिया, इसका मतलब वो इंडिया में रहा फाइनेंशियल ईयर 19-20, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 सॉरी 20-21 है, उसमें इंडिया में रहा अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का भी पूरा महीना रहा है, और जुलाई में 16 तारीख को वो छोड़ के गया है, तो 16 दिन वो जुलाई के भी रहा है। ऑन अ विजिट टू यूके, कहां पर गया? यूके चला गया विजिट करने, एंड रिटर्न्स, और वापस भी आ गया 4 जनवरी 2021 को इंडिया वापस आ गया। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। चलिए इन फैक्ट्स को एक बार लिख लेते हैं। एक यूके का सिटीजन इंडिया छोड़कर चला गया 16/7/2020 को, ये इंडिया छोड़कर चला गया, फिर वापस आया 4 जनवरी 2021 को। तो ये यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट, और यहां पर मैं लिखता हूं रिटर्न। कब आ गया जी वापस? 4 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2021 को वो रिटर्न आ गया। ओवरऑल मुझे प्रीवियस ईयर 2021 का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मुझे चेक करना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो एक बात बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कंडीशन ए क्या कहती है? आपको 182 दिन रहना है, और कंडीशन नंबर बी क्या कहती है? आपको 60 दिन रहना है प्लस 365 दिन रहना है। 60 दिन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के, और ये पिछले 4 सालों में, ऐसा ही है ना? तो अब देखते हैं इसने क्या किया।
ये 16-7 को जब गया तो ये कितने दिन रहा इंडिया में? अप्रैल पूरा, अप्रैल 2020 पूरा रहा, ये मई के महीने में भी पूरा इंडिया में ही था, जून भी पूरा इंडिया में था, जुलाई में ये इंडिया में था लेकिन केवल 16 दिन, यहां पर 30 डेज, यहां पर 31 डेज, यहां पर 30 डेज, ये यहां पर मैंने डेज लिखे हैं, ये है मेरा मंथ। फिर ये इंडिया वापस आ गया 4 जनवरी को, तो ये जनवरी के कितने दिन इंडिया में रहा? जनवरी 31 दिन का महीना होता है, 1, 2, 3 तारीख को ये इंडिया में नहीं था, मतलब 3 दिन इंडिया में नहीं था, तो कितने दिन था? 28 डेज। फरवरी भी इंडिया में था, फेब 21 में कितने डेज आए होंगे? 28 डेज। एंड फाइनली ये मार्च में भी इंडिया में ही था, कितने दिन? 31 डेज। सो ओवरऑल स्टे इन इंडिया कितने दिन का हो गया इसका, जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 + 31 + 30 + 16 + 28 + 28 + 31, तो इसका जो स्टे हुआ इंडिया में 194 डेज का हो गया। तो 194 डेज ये इंडिया में रह लिया, तो क्या इस बेसिस पर ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गया? द आंसर इज यस, ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि साहब पहली कंडीशन ये कहती है कि आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना है, तो आप तो कितने दिन रह लिए? 194 डेज रह लिए, तो आप रेजिडेंट बन गए। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे आप? सिंपल सा अभी मैं एक शॉर्ट आंसर लिख रहा हूं, इट्स अ रेजिडेंट, क्योंकि ये 182 दिन से ज्यादा रह लिया। आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप एग्जाम में यहां पर एक टेबल बनाएंगे, पीरियड ऑफ स्टे, मंथ डेज, और फिर आप नीचे एक समरी में आंसर लिखेंगे, सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज 194 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021, हेंस एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 द बेसिक कंडीशन सेज you must have to stay in India for 182 days or more during the relevant previous year. Hence, it is a resident of India because his total stay in India was for 194 days. Clear है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 है। मिस्टर मार्क अ यूके सिटीजन, जो कि एक यूके के सिटीजन है, ओके, कम टू इंडिया, वो इंडिया आए थे, वेरी गुड, इंडिया आ गए, कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आए थे इन द प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 15-16 में पहली बार इंडिया आए, कितने दिन के लिए? 120 डेज के लिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 and 20, 21, his stay in India for 150 days, 100 days, 120 days, 190 days and 94 days respectively determine his residential status for the previous year 2021। तो इन्हीं सभी फैक्ट्स को एक बार लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर 15-16 से शुरू होती है कहानी, प्रीवियस ईयर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितने कितने दिन रहे? सबसे पहले रहे वो 120 दिन के लिए, उसके बाद वो कितने दिन रहे? 150 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 150, 100, 120,
194, 190 एंड 94, ये सब है डेज, ये है ईयर। अब आपको बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021। तो अब एक बात बताइए, हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं 2021, हम जो बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वो है 2021। तो 2021 का मतलब मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर है 2021। इसके पिछले 4 साल भी ड्रॉ कर देते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये मेरे लिए 4th ईयर। कंडीशन क्या कहती है सेक्शन 6 की, बेसिक कंडीशन। पहला पॉइंट, आपको 182 दिन या उससे ज्यादा रहना है इंडिया में। तो यहां पर आपको 182 दिन रहना था, आप रहे। देखिए प्रीवियस ईयर 2021 में आप कितने दिन रहे, 94। तो सैड, आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, आपको पहली कंडीशन के मुताबिक 182 दिन इंडिया में रहना चाहिए था, लेकिन आप 182 दिन इंडिया में नहीं रहे थे, तो आपने पहली कंडीशन फेल कर दी। अब हम आपको दूसरी कंडीशन की तरफ लेके जाएंगे, अगर आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो आप रेजिडेंट बन पाओगे, अदरवाइज आप रेजिडेंट नहीं बन पाओगे। कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है आपको 60 दिन तो रहना है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में और 365 दिन आपको रहना है पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर में। तो आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे, 94। तो 60 दिन की कंडीशन पूरी हो गई, यस, बिकॉज यू हैव बीन स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज। पिछले 4 सालों में कितने दिन रहना है आपको, 365। तो देखिए इसके पिछले साल में आप कितने दिन रहे थे, 190, इसके पीछे 120, इसके भी पीछे 100 और इसके पीछे 150। क्या आपने पिछले 4 सालों में 365 दिन अचीव कर लिए, टोटल करके देख लो एक बार, 150 प्लस 100 प्लस 120 और प्लस 190। तो साहब आप जो टोटल रहे वो 560 दिन रहे, आपको रहना था कितने दिन, 365 दिन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 365 दिन रहना था, आप तो 560 दिन रह लिए। तो अब आपको हम क्या बना देंगे, रेजिडेंट। क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपने ये 60 दिन वाली कंडीशन भी पूरी कर ली और 365 दिन वाली कंडीशन भी आपने पूरी कर ली, हेंस यू विल बी अ रेजिडेंट, आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर है, मैं यहां तक वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो अभी मैंने आपको जो यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस बताया वो केवल इतने लेवल तक बताया है कि जहां पर हम रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जैसा आपको याद होगा जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ ए इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट बनने के बाद आपको फर्दर उसको कैटेगराइज करना होता है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में। तो वो पहले कंडीशन हम समझेंगे, लॉ समझेंगे, लॉ में क्या लिखा हुआ है, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब आपसे पूछा गया है ना रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो केवल इतने तक नहीं पूछा गया कि आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बताएंगे, आपको और आगे तक का आंसर बताना है कि रेजिडेंट हो तो कौन से वाले रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे जब हम आर एन ओ आर का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। तो वापस आते हैं अपने बुक पर। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं ROR या RNOR बनने के लिए लॉ में क्या लिखी हुई है कंडीशन, कि कब आप RNOR बन पाओगे और कब आप ROR बन पाओगे। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट
बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, देयर आर टू वर्ड्स हेयर, एक वर्ड आएगा आर ओ आर, एक आएगा आर एन ओ आर। तो यहां पर जो मैं अब आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं एज पर सेक्शन, वो हमें देखनी है। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है कि आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। इसका सिंपल सा मतलब है, सरकार आपसे ये देखना चाहती है आप रेजिडेंट तो हो लेकिन क्या आप अक्सर रेजिडेंट रहते हो या आप अक्सर रेजिडेंट नहीं रहते हो। मतलब आप रेजिडेंट बन गए लेकिन क्या आप पहली बार ही रेजिडेंट बने हो या इसी बार रेजिडेंट बने हो, या आपका जनरल जो ट्रैक रहा है पास्ट में वो भी अक्सर रेजिडेंट वाला ही रहा है। तो ये चेक करने के लिए आपको फर्दर एक टेस्ट पास करना होता है आर ओ आर या आर एन ओ आर का। क्योंकि जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो फिर आपको इस टेस्ट के थ्रू अपने आप को आर ओ आर या आर एन ओ आर में डिटरमाइन करवाना होगा, क्योंकि यहां पर भी वो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे कि आर ओ आर की सभी इनकम पर टैक्स मांगा जाएगा जबकि आर एन ओ आर को एक स्कोप दिया जाएगा जहां पर वो अपनी कुछ इनकम हटा पाएगा। तो वो हम आगे समझेंगे स्कोप ऑफ द टोटल इनकम में कि आर ओ आर की कौन सी इनकम पर टैक्स होगा और आर एन ओ आर की कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं होगा। बट फिलहाल इसलिए जरूरी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस मिलने के बाद, रेजिडेंट बनने के बाद, आपको ये टेस्ट भी क्लियर करना है वेदर यू आर आर ओ आर और आर एन ओ आर। तो क्या कंडीशन है आर ओ आर या आर एन ओ आर बनने के लिए, देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल एंड एच यू एफ। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप एच यू एफ हैं तभी आप आर ओ आर या आर एन ओ आर वाला एग्जाम देंगे, अगर अदरवाइज आपके ऊपर ये टेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल हो या आप एच यू एफ हो तभी आप अपने आप को यहां पर लेके आना और अपने आप को टेस्ट करवाना दैट वेदर यू आर आर ओ आर या आर एन ओ आर, अदरवाइज आप यहां पर नहीं आओगे। क्या है कंडीशन देख लेते हैं सेक्शन में। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आप एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। जो नीचे कंडीशन लिखी हुई है पॉइंट नंबर ए में और पॉइंट नंबर बी में, अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे रेजिडेंट Not ordinarily resident। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है He is a resident in any two out of the 10 year। उसको resident होना पड़ेगा कम से कम 2 सालों में out of the last 10 year। पिछले 10 previous year में कम से कम 2 साल वो क्या बन जाए resident। तो अगर वो पिछले 10 सालों में 2 बार कम से कम दो बार रेजिडेंट बन जाता है तो माना जाएगा उसने अपनी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। एंड एंड का मतलब प्लस। अब आपको दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। क्या है दूसरी कंडीशन, हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हम देख रहे हैं उसके ठीक पिछले 7 साल, तो हम प्रीवियस ईयर जो पढ़ रहे हैं 2021 के पिछले 7 साल में आपको कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना होगा। तो अगर आप पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट हैं, साथ ही साथ पिछले 7 सालों में जो साल हम देख रहे हैं उसके पिछले 7 सालों में आप 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन पाएंगे, अदरवाइज आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन एंड समराइजिंग वंस अगेन। बेसिक कंडीशन में आपको 2 कंडीशन दी है,
182 दिन या उससे ज्यादा रह लो, नहीं तो 60 दिन या 365 दिन रह लो, आप रेजिडेंट बन गए। रेजिडेंट बन गए तो अब आप एडिशनल कंडीशन पे आ जाओ। एडिशनल कंडीशन में दो बातें हैं, पहली आप पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट बन जाओ, बन गए। अब आप पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन रह लो। अगर आप ऐसा कर देते हो देन यू विल बी अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और एनआर कब बनोगे, नॉन रेजिडेंट कब बनोगे, जब आप बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करोगे। जो आपको पहली कंडीशन बताई थी 182 दिन वाली और दूसरा उसके साथ बताई थी 60 दिन और 365 दिन वाली, तो अगर आप वही सेटिस्फाई नहीं करोगे देन यू विल बी कॉल्ड एज ए नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज यू विल बी कॉल्ड एज ईदर आर ओ आर और आर एन ओ आर। नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ओनली वन और नन ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर आप इनमें से दी गई कंडीशन में से एक भी नहीं करते या एक कर लेते हैं, देन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा मैंने बोला था एंड आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यहां भी लिखा हुआ था इफ ही सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन पाएंगे। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं या दोनों ही नहीं करते हैं तो आप फिर आर एन ओ आर कहलाएंगे। और मजे की बात आपको यहां पर बता दूं, अगर आप रेजिडेंट बन गए हैं और आप एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन पास कर गए हैं तभी आपको दूसरी कंडीशन पर जाना है। अगर आप मान लीजिए पहली में ही फेल हो गए तो आप दूसरी पर मत जाइएगा, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद ही आप आर ओ आर बनोगे। अब आप पहली में तो फेल हो गए हैं, पहली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हुई नहीं, आपने वो टेस्ट पास किया नहीं, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू पास द सेकेंड कंडीशन। फिर आप सेकेंड कंडीशन को पास करवा के क्या अचीव करोगे, नथिंग। तो यहां पर आप पहली कंडीशन में अगर पास होते हो तभी आप दूसरी कंडीशन पर जाना, अदरवाइज देयर इज नो नीड कि आप दूसरी कंडीशन में जाके अपना टाइम खराब करो। क्लियर है मैं यहां तक? तो टिल नाउ आई हैव कवर्ड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीटली, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा, और अगर आप रेजिडेंट बन गए हैं तो आर एन ओ आर या आर ओ आर का स्टेटस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगर यहां तक किसी को भी कैसा भी कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं केवल यही रोक देता हूं जिसमें मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कवर कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ के केस में, कंपनीज के केस में, फर्म्स एलएलपी के केस में और बाकी जो अदर पर्संस हैं उनके केस में किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, और फिर मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा एज ए प्रैक्टिस बतौर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा इन रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस में। फिर हम मूव करेंगे अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। अभी आप अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिएगा, इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी इस बुक का लिंक भी डाल दूंगा, जो सेकेंड चैप्टर है आपका, आप इसको वहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको हर चैप्टर के साथ ही उस चैप्टर का पीडीएफ मटेरियल दूंगा जिसको आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 2 का भी लिंक दिया जाएगा जिसको आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ अपने रिमेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।